हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल से क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूँ सुनीता सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी केमिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए रसायन शास्त्र से जो बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं लाई हूँ, आज आप लोग इसको सीखें, बनाएं और असेसमेंट करें अपना कि आपने कितनी तैयारी कर ली है अब तक, और उसके बाद फिर हम लोग और आगे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ध्यान से समझिएगा कैसे बनाना है, क्या करना है, कहीं कुछ प्रॉब्लम रह जाए वीडियो के अंत में तो काइंडली वीडियो को देखने के बाद वीडियो में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन बनाना। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखिए आप, एक तत्व एक्स है और एक तत्व एक्स एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है और वाई बनाता है। एक्स तथा वाई हैं। तो देखिए सबसे पहला काम, आपको मैंने रेडियो एक्टिविटी का मेरा वीडियो है, अगर आप लोग नहीं जान पढ़ा है आप लोगों ने तो देख लीजिएगा। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वाले प्लेलिस्ट में आपको रेडियो एक्टिविटी मिलेगा, वहाँ से आप इसको ज़रूर देख लें। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या कह रहा है कि एक्स है उससे एक अल्फा कण का निकलना है। अल्फा कण निकलेगा यानी अल्फा कण निकल गया, तो आपको मालूम है नीचे जेड होता है ऊपर ए होता है, एक्स से वाई बन गया। और जब अल्फा निकलता है तो जेड में 2 घटता है और ए में 4 का घट जाता है। ये रूल है रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि एक अल्फा कण अगर उत्सर्जित करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जेड में यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आ जाएगी। तो अब आप देखिए समस्थानिक, तो समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो, परमाणु भार अलग अलग हो, तो समस्थानिक तो नहीं होगा ये, समस्थानिक नहीं होगा ये। संभारिक का डेफिनेशन होता है कि जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार सेम हो, तब उसको कहते हैं संभारिक। ये सारा वीडियोस का प्लेलिस्ट मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस डाला है मैंने, समस्थानिक, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सब पे भी पूरा अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी परेशानी है तो ज़रूर उसको वॉच करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि संभारिक भी नहीं होगा, क्लियर। अब सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो। तो आप देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, जे अल्फा कण निकलने से क्या हो रहा है, जेड घट रहा है, ए घट रहा है, तो ओबियस है कि न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक ये नहीं रहेगा, न्यूट्रॉन की मात्रा भी घटेगी, तो सम न्यूट्रॉनिक भी ये नहीं हुआ। तो हुआ क्या, बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूक्लियोइड है, सिर्फ ये क्या होगा, न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाएगा। तो डेफिनेशन हर एक का आपको आना चाहिए ताकि आप कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है, इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो देखिए कैल्शियम CaCl2 जो है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, तो क्लोरीन को वो क्या करता है, दे देता है फाइनली। तो जो दे के बनाता है बॉन्ड तो वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यानी वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो ये CaCl2 नहीं होगा। उसी तरह से K2O में भी उसी तरह का होता है, और MgO ये भी उसी तरीके का बॉन्डिंग करता है। MgO में क्या होता है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को, जिसको वो ऑक्सीजन को दे देता है, और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन को देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो MgO के बीच में भी क्या होगा, आपको आयनिक बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ H2O है जिसमें सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। H2O में क्या होता है, O और H के बीच ऐसा बॉन्डिंग होता है, तो जहाँ लाइन खींचा हुआ बॉन्डिंग बनता है उसी को बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे पाया जा रहा है, बाकी सब जो है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। और आपको जान के खुशी होगी कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सहसंयोजी के यौगिकों में 2 परमाणुओं के मध्य यानी 2 परमाणु के बीच अधिकतम सहसंयोजी बंधनों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो ऑप्शन दिया है आपको 4, 2, 3 और 1। तो मैं बता दूँ आपको, सहसंयोजी जो होता है बंधन वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो
तीन हो सकता है। आप देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम सी सी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन के बीच सी एन एन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो सहसंयोजक बंधनों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तीन हो सकती है। ऑप्शन आप याद रखें दिमाग में तो आपको याद रहेगा, इसका मतलब इसको ये एग्जाम्पल आप याद रखें तो आपको याद रहेगा कि कितना बॉन्ड होता है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन जनरली नहीं ध्यान में रहने से गलत हो जाता है, ध्यान रखें आप। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सो देखिए। ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन को आँख देख मूंद के तो ऑप्शन मार नहीं सकते हैं, ठीक। तो क्या करना है, सबसे पहले HNO3 लिखा, ट्रिकली सीखना है तो ऐसे करते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है तो तीन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 × 6 -6, और एक हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज होता है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है ऑक्सीकरण संख्या वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि कभी भी जब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो न्यूट्रल है अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड, तो न्यूट्रल कंपाउंड का क्या होता है ना कि जैसे इसके इसका पूरा चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। यानी यहाँ पे अगर -6 है और ये +1 है तो अब नाइट्रोजन के ऊपर अपने आप +5 चार्ज होगा ताकि वो -6 को बैलेंस हो जाए। -6 है ये +1 और +5 जुट के +6 हो जाएगा, तो -6 और +6 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसलिए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो कि +5 है। इसको बनाने का ये एक ट्रिक हुआ जो हम लोग फास्ट बनाते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप देखिए, जिसका निकालना होता है उसको एक्स मान लिया, ठीक है, जिसका फिक्स है उसको ऐसे लिखते हैं 1 + x, और प्लस ये ऑक्सीजन का फिक्स होता है कि -2 होगा तो -2 लिखेंगे, और 3 है तो 3। ओवरऑल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल है, किसी तरह का चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो 0 होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये 1 हो गया +1 + x और -6 = 0। तो क्या हो गया, x -5 = 0, यानी x = +5। यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैथमेटिक्स में जैसे अपन लोग करते हैं ना कि प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लस आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, दोनों तरीके में जो भी इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, और आपका ऑप्शन हो गया डी +5। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, दे रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है वह कहलाती है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसको देखना है, योगशील अभिक्रिया। योगशील का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन, ऐड हो जाता है। तो यहाँ तो साफ लिख दिया ना कि यौगिक गर्म, यहाँ देखिए क्लियर लिखा है कि यौगिक गर्म किए जाने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है, तो योग तो नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है विस्थापित हो जाना, मतलब एक रिप्लेसमेंट होना, रिप्लेस हो जाना, तो वो यहाँ नहीं बताया जा रहा है। फिर दे रहा है ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन, तो यहाँ पे क्या है, उस गर्म करने पे टूट जा रहा है, गर्म कर रहे हैं यौगिक को, गर्म किया जा रहा है तो दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे, यानी ऊष्मा पा के टूटना, ऊष्मा के मिलने से टूट जाना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है उसके क्या, परमाणु भार के या अणुभार के, बाष्प घनत्व के या विशिष्ट ऊष्मा के। तो मैंने अभी अभी जस्ट रिसेंटली वीडियो डाला है इक्विवेलेंट वेट पे, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यहाँ देखें, किसी तत्व की संयोजकता और तुल्यांकी भार का गुणनफल, जैसे आपको है वहाँ रिलेशन है ए बराबर ई इंटू एन होता है, यानी परमाणु भार बराबर इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, यानी इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार को कहते हैं और संयोजकता मतलब वैलेंसी। जब इक्विवेलेंट वेट और संयोजकता को गुना करते हैं तो क्या आता है, परमाणु भार आता है। इसमें डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं, क्या, परमाणु भार के। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 48 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 80 ग्राम MgO प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार क्या होगा, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताना है। तो आप मेरा इक्विवेलेंट वेट का वीडियो है उसको देखेंगे तो वहाँ फार्मूला आपको मिलेगा। जो फार्मूला होता है मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, Mg का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर, जब ऑक्साइड विधि से निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका
वेट दिया हुआ है इसका, आपका क्या कितना दिया है आपका 80 ग्राम। तो देखिए इसका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ये 48 बाई यानी वेट ऑफ जो मैग्नीशियम दिया है वो बाई 80 माइनस 48 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को आप हटा दीजिए। बता रही समझ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड का 80 ग्राम है वेट और 48 किसका दिया है मैग्नीशियम का। तो आपने क्या किया, 80 में से जब 48 को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन का भार गुने 8। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है ऑक्सीजन ऑक्साइड विधि से जब निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ एलिमेंट होता है और जो ऑक्साइड का वेट है उसमें से एलिमेंट को निकाल दीजिए तो ऑक्सीजन का बच गया गुने 8 से कंपेयर होता है, यानी ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होता है उससे कंपेयर होता है। अगर आपको इसमें पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेरे इक्विवेलेंट वेट का वीडियो है, प्लेलिस्ट में सारा है, जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट है, उसको आप देखें, उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी ज़रूरी वीडियो है, आप देख सकते हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 48 बाई नीचे ये माइनस होके कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3 इंटू 8, तो 8 4 जा 32 और 4 से इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 12। आंसर क्या हो गया हमारा 12, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इस केस में कितना आ गया 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ है जिसमें, आप सभी जानते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा क्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में बोलेंगे उसको। तो देखिए ऑप्शन क्या था, ऊष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होता है, नहीं। ऊष्मा का विद्युत में परिवर्तन होता है, नहीं। ऊष्मा का अवशोषण होता है, नहीं। ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, ध्यान रखें डेफिनेशन का और फटाक से टिक लगा दें कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ही होता है द रिएक्शन इन विच एनर्जी इवॉल्व्ड, और उसमें अगर इसको इसी को लिखता है इंडोथर्मिक तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बाकी बचे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सो इजी है, मरकरी का प्रतीक है यानी पारा, पारा का प्रतीक कौन सा है यानी पारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो HG से करते हैं। इसके लिए सिंबल याद होना आपको ज़रूरी है, ये छोटा उदाहरण दिया है मैंने कि इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको कि लेड का प्रतीक कौन है, तो लेड के लिए क्या लिखते हैं, PB लिखते हैं, तो इस तरीके से आपको आना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। लेकिन फेमस है मरकरी, फेरस, ये लोग फेमस हैं तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी था, आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है नाभिकीय परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन दिया गया है PO, पोलोनियम है, ये PO है, PO84 2 15 चेंज होके बनता है 80 PB 82 2 11 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं बताना है। ऐसा क्वेश्चन आता है इस तरीके से, देख के पूछता है कि कितना अल्फा कण या कितना बीटा कण निकला, तो यहाँ पे अल्फा कण पूछ रहा है तो हम लोग अल्फा कण का जानेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि अल्फा कण निकलता है, तो सबसे पहले तो ये पोलोनियम है, इसको पोलोनियम है, ये PO पोलोनियम 84 और 115 है, इससे आप अल्फा निकाल दें, अल्फा निकालेंगे, एक अल्फा कण आप निकालते हैं, एक अल्फा कण, तो मैंने बताया कि नीचे 2 घटेगा ऊपर 4 घटेगा, तो बनना क्या है यहाँ पे PB बना और 84 में से 2 माइनस हो गया तो 82 हो गया, ठीक है, 215 में से 4 माइनस हो गया तो 211 हो गया, तो परिवर्तन तो हो गया। तो कितना अल्फा कण निकला, एक ही अल्फा कण के निकलने से परिवर्तन पॉसिबल हो गया ये वाला, अगर इसके आगे जाता तो फिर हम लोग चेक करते कि कितना अल्फा कण निकला। यहाँ इजीली बन गया क्योंकि एक अल्फा, याद रखना है आपको, एक अल्फा कण निकलता है तो 2 की कमी आती है नीचे, यानी परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आती है, ध्यान रखें इसका। हीलियम का सिंबल ही होता है, सॉरी अल्फा का सिंबल होता है हीलियम के जैसा, हीलियम 2 4, इसके अकॉर्डिंग ही घटता है, अल्फा कण निकल रहा है, निकल रहा है मीन्स बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो नीचे जब ये निकल जाएगा किसी के नाभिक से इतना, तो उसमें के नाभिक में कमी ही तो आएगी, यानी परमाणु संख्या में 2 कम जाएगा और परमाणु भार में 4 कम जाएगा, घटेगा ही, ये तो क्लियर हो रहा है आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या किया, 10 क्वेश्चन बनाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के पर्पज़ से, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, 10 क्वेश्चन हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवीजन करने में, फटाक से रिवीजन कर लें और देख लें कि आपने क्या क्या सीख लिया है, क्या आपको सीखना बाकी रह गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताएँ कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो वो भी बताएँ।
जुड़ जाएं मेरे साथ बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई जारी रखें बच्चों।